मसले की आग में जल रहा है। इस बीच ईरान के प्रमुख नेता खमेनेई ने अमेरिका को चुनौती दी है कि जंग और भीषण होगी। ऐसे में साफ है कि इजराइल ने हमला किया तो ईरान विध्वंसक बदले से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे हालात में यूक्रेन और गाजा के बाद युद्ध का एक और मोर्चा भी खुल सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। आपको बता दें फंसे भारतीयों पर ईरान ने भरोसा दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिले भरोसे को लेकर ही ये पहली बड़ी खबर है। आपको बता दें कार्गो शिप पर फंसे 17 भारतीयों को लेकर यह खबर है और ईरान के कब्जे में है एमएससी एरीस जहाज। अब ईरान के कब्जे में एमएससी एरीस जहाज जिसमें कार्गो शिप में फंसे 17 भारतीयों को लेकर यह बड़ी खबर है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिला है ईरान से भरोसा। फंसे भारतीयों पर ईरान ने यह भरोसा दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने, इजरायली कारोबारी का जहाज है एमएससी एरीस जिसको लेकर यह बड़ी खबर है और इसी कार्गो में 17 भारतीय फंसे हुए हैं। हालांकि इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है भारत नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान की तरफ से भरोसा भी मिला है। तो इस युद्ध के हालात के बीच खलबली मची हुई है लेकिन ईरान ने भरोसा दिलाया है विदेश मंत्री को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है और कार्गो शिप पर फंसे भारतीयों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। ईरान ने भी भारत को भरोसा दिया है कि भारतीयों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है और वो उन्हें महफूज रखेगा। जल्द से जल्द वतन वापसी होगी, ईरान की तरफ से भारत को भरोसा दिलाया गया है। इसी भरोसे के तहत कैसे हम कह रहे हैं कि भारत की कूटनीतिक जीत, क्योंकि अब पूरा मामला आपके सामने रखते हैं जहां देखिए किस तरीके से कार्गो शिप को लेकर खबर है। कार्गो शिप एमएससी एरीस और ईरान ने इसे कब्जे में लिया है। आपको बता दें हामू स्ट्रेट के पास जहाज को कब्जे में लिए जाने को लेकर खबर आई। कार्गो शिप एमएससी एरीस, कार्गो शिप पर 25 क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय थे और विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान से इस बारे में बातचीत भी की है क्योंकि इसी जहाज पर फंसे भारतीयों को लेकर खबर है। ईरान ने सभी की हिफाजत और रिहाई का भरोसा भी दिया है। जी हाँ, पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से कब्जा किया गया, दावा ये किया जा रहा है। इसके अलावा ये बताइए कार्गो शिप है जो एमएससी एरीस बताया जा रहा है और इसी शिप पर फंसे हुए हैं भारतीय। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से ये फंसा हुआ है लेकिन एक बहुत अच्छी बात और राहत की बात यह है कि ईरान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भरोसा दिलाया। और ज्यादा जानकारी डिटेल में मनीष दे रहे हैं इस शिप के बारे में। मनीष, और क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि कार्गो शिप है और भारतीय इसमें फंसे हुए हैं तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, क्या कुछ प्लान है? बिल्कुल, देखिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कोशिश करता हूं कि अपने दर्शकों को एक बड़ा पिक्चर दिखाऊं कि आज की तारीख में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल और ईरान की जंग, केवल भारत एक ऐसा मुल्क है जो दोनों पक्षों से समान भाव से समान अधिकार से बात कर सकता है। और भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, मौका था ईरान और इजराइल के जंग को लेकर। और ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानियन विदेश मंत्री से दोनों बातों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे 17 भारतीय उस जहाज पर मौजूद हैं जो कि इजरायली व्यापारी का जहाज है, तो आपको इजराइल के जहाज से हो सकती है प्रॉब्लम हो लेकिन हमारे भारतीय वहां पर है 17 लोग, उनका आप क्या करेंगे। तो उस पर ईरान के विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो 17 भारतीय सुरक्षित हैं, तो उनकी सुरक्षित रिहाई को लेकर भारत सरकार ईरान के साथ संपर्क में है। लेकिन मामला केवल 17 भारतीयों का नहीं है। अगर आप देखें ईरान में आज की तारीख में कई हजार भारतीय रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी तकरीबन 20,000 भारतीय इस वक्त मौजूद हैं। इसलिए भारत सरकार ने ईरान के विदेश मंत्री से, इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, भारतीयों की सुरक्षित वापसी, भारतीयों की सुरक्षित रिहाई को लेकर चर्चा की और व्यापक पर्सपेक्टिव में देखें तो शांति की अपील दोनों पक्षों से की, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पहली बड़ी खबर। मनीष, शुक्रिया फिलहाल इसके बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि 25 क्रू मेंबर्स में से 17 भारतीय हैं जिनको देखते हुए ये बात एस जयशंकर की तरफ से की गई है और भरोसा भी ईरान ने दिया है। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर, जहां ईरान के हमले से तनाव के बीच ही ये बड़ी खबर है, जहां भारत ने ईरान और इजराइल से बात की है और दोनों देशों से शांति की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है बात। और एक और बड़ी खबर, ईरानी मीडिया ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरानी रॉकेट लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया है
लगातार तस्वीरें जारी हो रही है इस अटैक के बाद, और ईरान ने जो अटैक किया है, जो मिसाइलें दागी हैं, उसका खुद का वीडियो जारी हुआ है। ईरान की मीडिया ने ये जारी किया है कि रॉकेट अटैक का वीडियो देखिए कितना भीषण रहा ये रॉकेट अटैक। इससे पहले मिसाइल अटैक का भी वीडियो सामने आ चुका है। तो जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया उसकी एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान से बदले के प्लान को लेकर यह खबर है और यह प्लान हो चुका है तैयार। इसराइल की तरफ से क्या कहा गया जानिए। इसराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव और सीधी जंग या नहीं इस पर खुलासा होना बाकी। तो एक बार फिर से बता दें, इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है अब तस्वीरें तो सामने आ रही हैं कि ईरान ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, लेकिन ईरान से बदले को लेकर संभावनाएं और इस बीच जो स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे, क्योंकि इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और हमला कब होगा, हमला किसी भी वक्त संभव है। 24 घंटे में बड़ी खबर बता दें, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव। और ईरान के हमले के बाद से ही इसराइल बदले की आग में इस वक्त जल रहा है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। किसी भी वक्त इसराइल इंतकाम का पहला अटैक भी कर सकता है, यानी पहला वार कर सकता है, क्योंकि इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है IDF, इसराइल डिफेंस फोर्स, उसकी तरफ से कहा जा चुका है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए भी अगले 24 घंटे बहुत अहम है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, हमले का काउंटडाउन चल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया, इसी हमले के बाद से इसराइल बदले की आग में जल रहा है। इसराइल की वॉर कैबिनेट ने जवाबी एक्शन का खाका खींच दिया है। इस बीच एक्सक्लूसिव खुलासा ये कि अगले 24 घंटे में कभी भी ईरान पर हो सकता है हमला। जी हाँ, इसके अलावा इसराइल ने कहा है कि प्लान लोडेड है, बड़ा जवाबी हमला होगा, बड़ी कार्रवाई होगी ईरान के खिलाफ, इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं और एक्सक्लूसिव खुलासा है कि कब इसराइल अटैक कर सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का वीडियो भी पोस्ट सामने आया है। मुसलमानों के हाथ में होगा अल कुद्स, खामनेई का कहना है ये। फिलिस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी दुनिया। देखिए, ये एक एक्सटेंडेड लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो गाजा युद्ध में हुआ, जो लड़ाई हुई गाजा युद्ध में, उसी का ही दम भरते हुए, उसी का ही दावा करते हुए खामनेई ने वीडियो जारी किया है। ईरान में संसद में जश्न की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन किया और जश्न भी मनाया, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्ला ने ईरान को अब बधाई दी है, इसराइल पर हमले के लिए बधाई दी गई है। तो जिस तरीके से ईरान ने अभी पहले स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इसकी सफलता को लेकर बड़े दावे किए हैं, उसी के बाद कल हमने तस्वीर देखी, संसद में जश्न की, सड़क पर जश्न की, अब हिजबुल्ला ने भी ईरान को इसी सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा जंग की स्क्रिप्ट ईरान ने लिखी, सऊदी के एक अफसर का बड़ा खुलासा सामने आया। एक अफसर ने कहा है, सऊदी अरब के एक अफसर ने, कि गाजा जंग की स्क्रिप्ट भी ईरान ने ही लिखी थी। जो गाजा जंग शुरू हुई वो भी ईरान के जरिए ही शुरू करवाई गई। तो बड़े खुलासे हो रहे हैं और ईरान के हमले के बीच एक्सक्लूसिव खुलासे को लेकर अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इस गाजा जंग ईरान ने साजिश के तहत भड़काई है। सऊदी इसराइल के रिश्ते बिगाड़ने की ये चाल थी। सऊदी और इसराइल की करीबियां ईरान को खटक रही थी और लंबे समय से दोनों के बीच संबंध तोड़ने की कोशिश के तहत ही ईरान ने ये प्लानिंग की, ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सऊदी के अधिकारी की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने कहा है कि ईरान का हमला इसराइल US को चुनौती है। ईरान ने जानबूझकर घातक हमला नहीं किया, ये ईरान का जानबूझकर घातक हमला नहीं है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है एक अफसर की ओर से, जो खुफिया अधिकारी रहा, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी। तो ईरान के हमले के बाद कई देशों में हलचल इस वक्त तेज है। जर्मनी से लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। ईरान हमले के बाद इसराइल के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने बर्लिन में रैली निकाली। जर्मन इसराइली सोसाइटी की तरफ से ये रैली निकाली गई, जिसने शहर के ब्रांडेनबर्ग गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।
जर्मन इजरायली सोसाइटी के प्रमुख और ग्रीन पार्टी के राजनेता वोल्कर बेक ने रैली को संबोधित करते हुए हमले की तीखी निंदा की और जर्मन सरकार से ईरान के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को यूरोपीय संघ की आतंकवादी सूची में डालने, उनकी संपत्ति जब्त करने और पूरी ताकत से उनसे लड़ने का समय आ गया है। आपको बता दें कि ईरान के बड़े हमले में सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इधर पाकिस्तान के कराची में इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसराइल के साथ संघर्ष में ईरान और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाई गई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कराची में ईरान समर्थकों में महिलाएं भी शामिल थी, जिनके हाथों में गाजा के समर्थन की तख्तियां भी थी। फिलिस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान यानी PFC प्रमुख साबिर अबू मरियम ने कहा कि वो ईरान का समर्थन करते हैं, गाजा की मुक्ति तक उनका युद्ध जारी रहेगा। और पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी आमिर सरफराज तांबा की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये रिपोर्ट। आमिर सरफराज तांबा की तस्वीर है जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के करीबी सहयोगी बताया जाता है। बताया जाता है कि कल लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक तांबा पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पाकिस्तान में लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में हमला किया। खबरों के अनुसार तांबा के शरीर पर 4 गोलियां मारी गयी। एक हमलावर ने हेलमेट पहन रखा था जबकि दूसरे ने नकाब डाल रखा था और दोनों उस पर गोली चलाने के बाद घटनास्थल से भाग गए। तांबा को नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गयी। लाहौर का असली डॉन नाम से कुख्यात तांबा के बारे में कहा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ नशे की तस्करी में शामिल था। बताया जाता है कि कड़ी सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल के अंदर तांबा सहित अन्य कैदियों ने ही भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर ईंट और लोहे की छड़ों से हमला किया था। कहा जाता है कि यह हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया गया था। बर्बर हमले के कुछ दिनों बाद सरबजीत सिंह की 2 मई 2013 की सुबह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। और अब बात एक्टर सलमान खान की। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले विशाल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विशाल उर्फ कालू पर 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फायरिंग, बाइक चोरी का केस दर्ज है। हाल ही में एक कारोबारी का भी कत्ल किया था। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर इस कत्ल को अंजाम दिया गया था और गुरुग्राम का रहने वाला विशाल 10वीं तक पढ़ा हुआ है। आरोपी के बारे में ये बड़ा खुलासा किया है। और आपको बता दें कि सलमान खान के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में रहने वाले भाई अनमोल बिश्नोई ने घटना को सलमान खान के लिए पहली और आखिरी चेतावनी बताया। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया में अनमोल बिश्नोई नाम के एक शख्स का पोस्ट वायरल हुआ। इस पोस्ट की भी जाँच मुंबई पुलिस कर रही है। अनमोल बिश्नोई चूंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ये पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये पोस्ट असली है या फिर कोई फेक आईडी बनाकर ये पोस्ट किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मुंबई पुलिस की माने तो जिस तरह की बातें पोस्ट में लिखी गई है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि पोस्ट में साफ तौर पर सलमान खान को धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि अगली बार जब फायरिंग होगी तो घर पर नहीं होगी। और ये फायरिंग जो है वो बताने के लिए की गई थी कि उनकी ताकत कितनी है, इसलिए सलमान खान किसी गफलत में ना रहें। अब मुंबई पुलिस इस फेसबुक अकाउंट की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये फेसबुक अकाउंट जो है वाकई में गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए शूटर अनमोल बिश्नोई का ही है या फिर किसी और शख्स का है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में जिस गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आ रहा है उसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। CCTV में मर्डर की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। एक वीडियो करीब 1 महीने पुराना है जब स्क्रैप डीलर सचिन को रोहतक के एक ढाबे पर गोलियों से भून दिया गया था। बताया जाता है कि इस वारदात को विशाल उर्फ कालू ने अंजाम दिया था।
इसी ने मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर भी हमले को अंजाम दिया है। सलमान खान के घर के पास की सीसीटीवी तस्वीरें के मिलान के बाद ये बात कही जा रही है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। जैसा कि आपको पता है कि सलमान के घर के बाहर 3 गोलियां सड़क पर मिली थी, जबकि एक दीवार में धंसी पाई गई थी। यही नहीं, सलमान खान जिस बालकनी से अक्सर अपने फैंस के लिए सामने आया करते थे, वहां भी गोली मिली है। बताया जाता है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। स्क्रैप डीलर की हत्या के बाद से वो फरार है। सीसीटीवी में कैद उसकी तस्वीरें बता रही है कि विशाल ने हरियाणा नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। कहा जाता है कि गुरुग्राम के रहने वाले विशाल विदेश में बैठे रोहित गोदारा के लिए काम करता है और सचिन हत्याकांड को विशाल ने रोहित गोदारा के कहने पर अंजाम दिया था। और अब बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने अपील की है, अपनी रिमांड के खिलाफ भी अपील की गई। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को जायज बताया था और अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ईडी ने मुझे गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के दिन आपके मंत्री गोपाल राय ने संविधान बचाओ के नाम से जो राजनीतिक अभियान छेड़ने की घोषणा की गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इस बीच दोपहर 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने जाएंगे। भगवंत मान के साथ आप सांसद संदीप पाठक भी मौजूद रहेंगे। और अब बात दिल्ली के शराब घोटाला मामले की, जहां इस मामले में मनीष सिसोदिया जेल में हैं और जमानत की अपील की है। मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि कोर्ट को यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि सिसोदिया दोषी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अगर मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो सिसोदिया को 3 महीने के भीतर फिर से जमानत मिलने के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए फिर से निचली अदालत का रुख किया है। इधर दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी के आरोप में सीबीआई ने हिरासत में लिया था। इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए के रिश्वत को अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल रहा है, वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। और अब बात चुनावी प्रचार की। आज केरल में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के अलावा तमिलनाडु में भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनावों में मिशन दक्षिण पर बीजेपी का खास फोकस है। आज पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। पहले वो केरल में 2 रैलियां करेंगे, फिर तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर जिले के अलाथुर निर्वाचन क्षेत्र के कोनमंगलम जाएंगे। पीएम यहां अलाथुर और त्रिशूर में चुनाव लड़ रहे एनडीए कैंडिडेट टीएन सरासू और सुरेश गोपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 2:15 पर केरल में तिरुवनंतपुरम जाएंगे। यहां कटककड़ा में पीएम मोदी अटिंगल और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए के 2 केंद्रीय मंत्रियों वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार करेंगे। शाम 4:30 पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिन बाद फिर से दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले पीएम ने 15 और 19 मार्च के बीच केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी रैलियां की थी। केरल के दौरे पर पीएम मोदी 6ठी बार जा रहे हैं। वो पिछली बार 19 मार्च को केरल गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा।
कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है, देश को बांटने तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही हैं। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परंपरा सीमाएं पार कर चुकी है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह आज मणिपुर और त्रिपुरा में चुनावी प्रचार करेंगे, साथ ही वो जयपुर में भी रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में आज मणिपुर का दौरा करेंगे और वहां चुनाव प्रचार करेंगे। मणिपुर के अलावा अमित शाह त्रिपुरा और राजस्थान का भी दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के इम्फाल में दोपहर 1:30 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इम्फाल में रैली से पहले अमित शाह सुबह 11 बजे त्रिपुरा पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के तहत अगरतला के कुमार घाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर में इन रैलियों के बाद गृहमंत्री अमित शाह आज शाम 6 बजे राजस्थान के जयपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में एक रोड शो भी करेंगे। अमित शाह जयपुर में पहली बार रोड शो करेंगे। रोड शो संगनेरी गेट की तरफ से शुरू होगा और छोटी चौपड़ तक करीब 2.25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के इस रोड शो के जरिए बीजेपी जयपुर में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, साथ ही जयपुर की दूसरी सीटों को भी प्रभावित करने की रणनीति है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में इस बार बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता चुनावी मैदान में है। क्या माधवी लता ओवैसी के किले में सेंध लगा पाएंगे? इस पर TV9 भारतवर्ष ने माधवी लता से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उस खास बातचीत का एक हिस्सा भी सुनिए। कहा यह जाता है कि किला है ओवैसी परिवार, वो किला क्या ढहने वाला है, वो किले में सेंध लगाने वाली है? पहले तो मेरे हिसाब से वो किला मिट्टी से बना है साहब। अब न्याय और धर्म सच्चाई का पानी उसके ऊपर फेंको आप, वो किला खुद ब खुद गिर के नीचे गिर जाएगी। और दूसरी बात यह है, सबसे अहमियत बात आर्टिकल 30, जो मैं बार बार प्रजा को समझाने के प्रयत्न कर रही हूँ। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। लास्ट 75 ईयर्स से इसका सही प्रकार से कोई उपयोग नहीं किया गया है। इस आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज वाले अपने अपने मजहब का पढ़ाई देते हुए अंग्रेजी पढ़ाई किसी भी हद तक दे सकते हैं। आप जो दावे कर रहे हैं कि आप उन्हें टक्कर देंगी, और आपने ये भी बताया कि 1.5 लाख मतों से शायद जीतने वाले हैं आप, तो कहते हैं ये सपने हैं। वही समाधान उनको भी देती हूँ, कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। 40 साल से जो है तो अक्सर उसी घमंड में इंसान आगे निकल जाता है। जून 4 तारीख को देखेंगे, जो घमंड तोड़ेंगे नहीं तोड़ पाएंगे हम, उसी दिन देख लेते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी आज वायनाड और कोझिकोड में कैंपेन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे। इस दौरान वायनाड में वो कई जगहों पर जाएंगे और सभाएं भी करेंगे। राहुल गांधी वायनाड के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद आज शाम करीब 6:30 बजे उत्तर कोझिकोड जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में वायनाड से नॉमिनेशन फाइल किया था और यहां एक रोड शो भी निकाला था। वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ CPI से भी है। CPI ने यहां डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने वायनाड सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल के खिलाफ उतारा है। वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। राहुल गांधी अगले हफ्ते केरल में ही रहेंगे। राहुल गांधी 18 अप्रैल को कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम में कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 22 अप्रैल को त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और अलापुझा जिलों में उनकी रैलियां भी हैं।
फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और बयान को लेकर इंडिया गठबंधन ने पलटवार किया। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के इस वीडियो के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि पीडीएफ बीजेपी को मिलकर हराएगा, क्योंकि वो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को नया संविधान बनाकर खत्म करना चाहती है। बीजेपी जनता की सेवा या कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सदियों से 4-5% प्रभुत्ववादी सोच के लोग 90-95% लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि संविधान की मूल संरचना को बदलना है और यही कारण है कि पार्टी के नेता 400 पार की बात करते रहते हैं। सरकार को 272 तो ही बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। और कल मायावती ने बहुत बड़ी बात कह दी। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने उनकी सरकार बनने पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा देने का भरोसा दिया है। उनके बयान पर अब सियासी पारा बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है पश्चिमी यूपी के लोगों की कि इस मामले में आपके खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाए। पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। विकास व उत्थान आदि हो सके। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के विभाजन का कार्ड खेला। बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोषणा करने के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का भी वादा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ में बेंच होने की वजह से दशकों से मेरठ या पश्चिमी यूपी में किसी जिले में हाईकोर्ट बनाने की मांग उठती रही है। और इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी TV9 भारतवर्ष पर खबरें जारी है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक खबर और आप तक पहुंचा दें। लखनऊ की सड़क पर एक युवती ने अपनी हनक दिखाई है। उसने सरेआम कुछ लोगों को गालियां भी दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर युवती आपे से बाहर क्यों हुई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अदब के शहर लखनऊ की तस्वीरें हैं, सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। हाथ में लाठी, जुबान पर बेधड़क गालियां, गालियां भी ऐसी कि शर्म से गड़ जाएं। लेकिन मैडम ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। रौब के आके लोग तमाशबीन रहने के सिवा कर भी क्या सकते थे। अब तक आप समझ गए होंगे मामला क्या है। बताया जाता है कि मामूली गलती की वजह से मैडम आपे से बाहर हो गई। उन्होंने गाड़ी से लाठी निकाली और लगी रौब दिखाने। मैडम लाठी चमकाती रही, सड़क पर पीटती रही, धमकाती रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हद तो तब हो गई जब मैडम साहिबा ने इस शख्स के कॉलर पकड़ लिए, ऐसा खींचा कि उसकी सोने की चेन भी टूट गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 29 जून से 19 अगस्त तक यात्रा चलेगी और साथ ही आपको बता दें आज ही से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। 29 जून से 13 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी आज ही से हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद युद्ध के और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। अगले कुछ घंटों में इसराइल ईरान पर हमले कर सकता है, यानी इसराइल बदले की आग में जल रहा है।
इस बीच ईरान के प्रमुख नेता खमेनेई ने अमेरिका को चुनौती दी है कि जंग और भीषण होगी। ऐसे में साफ है कि इसराइल ने हमला किया तो ईरान विध्वंसक बदले से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे हालात में यूक्रेन और गाजा के बाद युद्ध का एक और मोर्चा भी खुल सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। आपको बता दें फंसे भारतीयों पर ईरान ने भरोसा दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिले भरोसे को लेकर ही यह पहली बड़ी खबर है। आपको बता दें कार्गो शिप पर फंसे 17 भारतीयों को लेकर यह खबर है और ईरान के कब्जे में है एमएससी एरीस जहाज। अब ईरान के कब्जे में एमएससी एरीस जहाज जिसमें कार्गो शिप में फंसे 17 भारतीयों को लेकर यह बड़ी खबर है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिला है ईरान से भरोसा। फंसे भारतीयों पर ईरान ने यह भरोसा दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने, इजरायली कारोबारी का जहाज है एमएससी एरीस जिसको लेकर यह बड़ी खबर है और इसी कार्गो में 17 भारतीय फंसे हुए हैं। हालांकि इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है भारत नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान की तरफ से भरोसा भी मिला है। तो इस युद्ध के हालात के बीच खलबली मची हुई है लेकिन ईरान ने भरोसा दिलाया है विदेश मंत्री को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है और कार्गो शिप पर फंसे भारतीयों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। ईरान ने भी भारत को भरोसा दिया है कि भारतीयों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है और वो उन्हें महफूज रखेगा। जल्द से जल्द वतन वापसी होगी, ईरान की तरफ से भारत को भरोसा दिलाया गया है। इसी भरोसे के तहत कैसे हम कह रहे हैं कि भारत की कूटनीतिक जीत, क्योंकि अब पूरा मामला आपके सामने रखते हैं जहां देखिए किस तरीके से कार्गो शिप को लेकर खबर है। कार्गो शिप एमएससी एरीस और ईरान ने इसे कब्जे में लिया है। आपको बता दें हामू स्ट्रेट के पास जहाज को कब्जे में लिए जाने को लेकर खबर आई। कार्गो शिप एमएससी एरीस, कार्गो शिप पर 25 क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय थे और विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान से इस बारे में बातचीत भी की है क्योंकि इसी जहाज पर फंसे भारतीयों को लेकर खबर है। ईरान ने सभी की हिफाजत और रिहाई का भरोसा भी दिया है। जी हाँ, पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से कब्जा किया गया, दावा ये किया जा रहा है। इसके अलावा ये बताइए कार्गो शिप है जो एमएससी एरीस बताया जा रहा है और इसी शिप पर फंसे हुए हैं भारतीय। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से ये फंसा हुआ है लेकिन एक बहुत अच्छी बात और राहत की बात यह है कि ईरान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भरोसा दिलाया। और ज्यादा जानकारी डिटेल में मनीष दे रहे हैं इस शिप के बारे में। मनीष, और क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि कार्गो शिप है और भारतीय इसमें फंसे हुए हैं, तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, क्या कुछ प्लान है? बिल्कुल, देखिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कोशिश करता हूं कि अपने दर्शकों को एक बड़ा पिक्चर दिखाऊं कि आज की तारीख में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इसराइल और ईरान की जंग, केवल भारत एक ऐसा मुल्क है जो दोनों पक्षों से समान भाव से समान अधिकार से बात कर सकता है। और भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, इसराइल के विदेश मंत्री से बात की, मौका था ईरान और इसराइल के जंग को लेकर। और ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानियन विदेश मंत्री से दोनों बातों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे 17 भारतीय उस जहाज पर मौजूद हैं जो कि इजरायली व्यापारी का जहाज है, तो आपको इजराइल के जहाज से हो सकती है प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे भारतीय वहां पर है 17 लोग, उनका आप क्या करेंगे? तो उस पर ईरान के विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो 17 भारतीय सुरक्षित हैं, तो उनकी सुरक्षित रिहाई को लेकर भारत सरकार ईरान के साथ संपर्क में है। लेकिन मामला केवल 17 भारतीयों का नहीं है। अगर आप देखें ईरान में आज की तारीख में कई हजार भारतीय रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल में भी तकरीबन 20,000 भारतीय इस वक्त मौजूद हैं। इसलिए भारत सरकार ने ईरान के विदेश मंत्री से, इसराइल के विदेश मंत्री से बात की, भारतीयों की सुरक्षित वापसी, भारतीयों की सुरक्षित रिहाई को लेकर चर्चा की और व्यापक पर्सपेक्टिव में देखें तो शांति की अपील दोनों पक्षों से की, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पहली बड़ी खबर। मनीष, शुक्रिया फिलहाल इसके बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि 25 क्रू मेंबर्स में से 17 भारतीय हैं जिनको देखते हुए ये बात एस जयशंकर की तरफ से की गई है और भरोसा भी ईरान ने दिया है। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर, जहां ईरान के हमले से तनाव के बीच ही ये बड़ी खबर है, जहां भारत ने ईरान और इसराइल से बात की है और दोनों देशों से शांति की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है बात। और एक और बड़ी खबर, ईरानी मीडिया ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरानी रॉकेट लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया है। लगातार तस्वीरें जारी हो रही है इस अटैक के बाद और ईरान ने जो अटैक किया है, जो मिसाइलें दागी हैं, उसका खुद का
का वीडियो जारी हुआ है। ईरान की मीडिया ने ये जारी किया है कि रॉकेट अटैक का वीडियो देखिए कितना भीषण रहा ये रॉकेट अटैक। इससे पहले मिसाइल अटैक का भी वीडियो सामने आ चुका है। तो जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया उसकी एक एक तस्वीर आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है क्योंकि ईरान से बदले के प्लान को लेकर यह खबर है और यह प्लान हो चुका है तैयार। इजराइल की तरफ से क्या कहा गया जानिए। इजराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव और सीधी जंग या नहीं इस पर खुलासा होना बाकी। तो एक बार फिर से बता दें इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है अब तस्वीरें तो सामने आ रही हैं कि ईरान ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है। लेकिन ईरान से बदले को लेकर संभावनाएं और इस बीच जो स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे क्योंकि इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और हमला कब होगा, हमला किसी भी वक्त संभव है 24 घंटे में। बड़ी खबर बता दें अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव। और ईरान के हमले के बाद से ही इसराइल बदले की आग में इस वक्त जल रहा है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। किसी भी वक्त इसराइल इंतकाम का पहला अटैक भी कर सकता है यानी पहला वार कर सकता है क्योंकि इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है IDF इसराइल डिफेंस फोर्स उसकी तरफ से कहा जा चुका है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए भी अगले 24 घंटे बहुत अहम है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, हमले का काउंटडाउन चल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि एक टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया, इसी हमले के बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जवाबी एक्शन का खाका खींच दिया है। इस बीच एक्सक्लूसिव खुलासा ये कि अगले 24 घंटे में कभी भी ईरान पर हो सकता है हमला। जी हाँ, इसके अलावा इसराइल ने कहा है कि प्लान लोडेड है, बड़ा जवाबी हमला होगा, बड़ी कार्रवाई होगी ईरान के खिलाफ, इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं और एक्सक्लूसिव खुलासा है कि कब इसराइल अटैक कर सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का वीडियो भी पोस्ट सामने आया है। मुसलमानों के हाथ में होगा अल कुद्स, खामनेई का कहना है ये फिलिस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी दुनिया। देखिए ये एक एक्सटेंडेड लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है जो गाजा युद्ध में हुआ, जो लड़ाई हुई गाजा युद्ध में उसी का ही दम भरते हुए, उसी का ही दावा करते हुए खामनेई ने वीडियो जारी किया है। ईरान में संसद में जश्न की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन किया और जश्न भी मनाया, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्ला ने ईरान को अब बधाई दी है, इसराइल पर हमले के लिए बधाई दी गई है। तो जिस तरीके से ईरान ने अभी पहले स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इसकी सफलता को लेकर बड़े दावे किए हैं, उसी के बाद कल हमने तस्वीर देखी संसद में जश्न की, सड़क पर जश्न की, अब हिजबुल्ला ने भी ईरान को इसी सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा जंग की स्क्रिप्ट ईरान ने लिखी, सऊदी के एक अफसर का बड़ा खुलासा सामने आया। एक अफसर ने कहा है, सऊदी अरब के एक अफसर ने, कि गाजा जंग की स्क्रिप्ट भी ईरान ने ही लिखी थी, जो गाजा जंग शुरू हुई वो भी ईरान के जरिए ही शुरू करवाई गई। तो बड़े खुलासे हो रहे हैं और ईरान के हमले के बीच एक्सक्लूसिव खुलासे को लेकर अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इस गाजा जंग ईरान ने साजिश के तहत भड़काई है। सऊदी इसराइल के रिश्ते बिगाड़ने की ये चाल थी, सऊदी और इसराइल की करीबियां ईरान को खटक रही थी और लंबे समय से दोनों के बीच संबंध तोड़ने की कोशिश के तहत ही ईरान ने ये प्लानिंग की, ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें सऊदी के अधिकारी की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने कहा है कि ईरान का हमला इसराइल US को चुनौती है, ईरान ने जानबूझकर घातक हमला नहीं किया, ये ईरान का जानबूझकर घातक हमला नहीं है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है एक अफसर की ओर से जो खुफिया अधिकारी रहा, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी। तो ईरान के हमले के बाद कई देशों में हलचल इस वक्त तेज है, जर्मनी से लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया है।
ईरान हमले के बाद इसराइल के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने बर्लिन में रैली निकाली। जर्मन इजरायली सोसाइटी की तरफ से ये रैली निकाली गई, जिसने शहर के ब्रांडेनबर्ग गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जर्मन इजरायली सोसाइटी के प्रमुख और ग्रीन पार्टी के राजनेता वोल्कर बेक ने रैली को संबोधित करते हुए हमले की तीखी निंदा की और जर्मन सरकार से ईरान के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को यूरोपीय संघ की आतंकवादी सूची में डालने, उनकी संपत्ति जब्त करने और पूरी ताकत से उनसे लड़ने का समय आ गया है। आपको बता दें कि ईरान के बड़े हमले में सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इधर पाकिस्तान के कराची में इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसराइल के साथ संघर्ष में ईरान और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाई गई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कराची में ईरान समर्थकों में महिलाएं भी शामिल थी, जिनके हाथों में गाजा के समर्थन की तख्तियां भी थी। फिलिस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान यानी PFC प्रमुख साबिर अबू मरियम ने कहा कि वो ईरान का समर्थन करते हैं, गाजा की मुक्ति तक उनका युद्ध जारी रहेगा। और पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी आमिर सरफराज तांबा की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये रिपोर्ट। आमिर सरफराज तांबा की तस्वीर है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के करीबी सहयोगी बताया जाता है। बताया जाता है कि कल लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक तांबा पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पाकिस्तान में लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में हमला किया। खबरों के अनुसार तांबा के शरीर पर 4 गोलियां मारी गई। एक हमलावर ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे ने नकाब डाल रखा था और दोनों उस पर गोली चलाने के बाद घटनास्थल से भाग गए। तांबा को नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लाहौर का असली डॉन नाम से कुख्यात तांबा के बारे में कहा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ नशे की तस्करी में शामिल था। बताया जाता है कि कड़ी सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल के अंदर तांबा सहित अन्य कैदियों ने ही भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर ईंट और लोहे के छड़ों से हमला किया था। कहा जाता है कि यह हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया गया था। बर्बर हमले के कुछ दिनों बाद सरबजीत सिंह की 2 मई 2013 की सुबह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। और अब बात एक्टर सलमान खान की। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले विशाल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विशाल उर्फ कालू पर 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फायरिंग, बाइक चोरी का केस दर्ज है। हाल ही में एक कारोबारी का भी कत्ल किया था। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर इस कत्ल को अंजाम दिया गया था और गुरुग्राम का रहने वाला विशाल 10वीं तक पढ़ा हुआ है। आरोपी के बारे में ये बड़ा खुलासा किया है। और आपको बता दें कि सलमान खान के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में रहने वाले भाई अनमोल बिश्नोई ने घटना को सलमान खान के लिए पहली और आखिरी चेतावनी बताया। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया में अनमोल बिश्नोई नाम के एक शख्स का पोस्ट वायरल हुआ। इस पोस्ट की भी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। अनमोल बिश्नोई चूंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ये पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये पोस्ट असली है या फिर कोई फेक आईडी बनाकर ये पोस्ट किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मुंबई पुलिस की माने तो जिस तरह की बातें पोस्ट में लिखी गई है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि पोस्ट में साफ तौर पर सलमान खान को धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि अगली बार जब फायरिंग होगी तो घर पर नहीं होगी। और ये फायरिंग जो है वो बताने के लिए की गई थी कि उनकी ताकत कितनी है, इसलिए सलमान खान किसी गफलत में ना रहें। अब मुंबई पुलिस इस फेसबुक अकाउंट की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये फेसबुक अकाउंट जो है वाकई में गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए शूटर अनमोल बिश्नोई का ही है या फिर किसी और शख्स का है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में जिस गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आ रहा है, उसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। CCTV में मर्डर की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। एक वीडियो करीब 1 महीने पुराना है, जब स्क्रैप डीलर सचिन को रोहतक के एक ढाबे पर गोलियों से भून दिया गया था। बताया जाता है कि इस वारदात को विशाल उर्फ कालू ने अंजाम दिया था। इसी ने मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर भी हमले को अंजाम दिया है। सलमान खान के घर के पास की CCTV तस्वीरें के मिलान के बाद ये बात कही जा रही है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है।
जैसा कि आपको पता है कि सलमान के घर के बाहर 3 गोलियां सड़क पर मिली थी, जबकि एक दीवार में धंसी पाई गई थी। यही नहीं, सलमान खान जिस बालकनी से अक्सर अपने फैंस के लिए सामने आया करते थे, वहां भी गोली मिली है। बताया जाता है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। स्क्रैप डीलर की हत्या के बाद से वो फरार है। सीसीटीवी में कैद उसकी तस्वीरें बता रही है कि विशाल ने हरियाणा नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। कहा जाता है कि गुरुग्राम के रहने वाले विशाल विदेश में बैठे रोहित गोदारा के लिए काम करता है और सचिन हत्याकांड को विशाल ने रोहित गोदारा के कहने पर अंजाम दिया था। और अब बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने अपील की है, अपनी रिमांड के खिलाफ भी अपील की गई। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को जायज बताया था और अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ईडी ने मुझे गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन आपके मंत्री गोपाल राय ने संविधान बचाओ के नाम से जो राजनीतिक अभियान छेड़ने की घोषणा की गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इस बीच दोपहर 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने जाएंगे। भगवंत मान के साथ आप सांसद संदीप पाठक भी मौजूद रहेंगे। और अब बात दिल्ली के शराब घोटाला मामले की, जहां इस मामले में मनीष सिसोदिया जेल में हैं और जमानत की अपील की है। मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि कोर्ट को यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि सिसोदिया दोषी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अगर मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो सिसोदिया को 3 महीने के भीतर फिर से जमानत मिलने के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए फिर से निचली अदालत का रुख किया है। इधर दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज 10 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेरा फेरी के आरोप में सीबीआई ने हिरासत में लिया था। इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए के रिश्वत को अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल रहा है, वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। और अब बात चुनावी प्रचार की। आज केरल में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के अलावा तमिलनाडु में भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनावों में मिशन दक्षिण पर बीजेपी का खास फोकस है। आज पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। पहले वो केरल में 2 रैलियां करेंगे, फिर तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर जिले के अलाथुर निर्वाचन क्षेत्र के कोनमंगलम जाएंगे। पीएम यहां अलाथुर और त्रिशूर में चुनाव लड़ रहे एनडीए कैंडिडेट टीएन सरासू और सुरेश गोपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 2:15 पर केरल में तिरुवनंतपुरम जाएंगे। यहां कटककड़ा में पीएम मोदी अटिंगल और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए के 2 केंद्रीय मंत्रियों वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार करेंगे। शाम 4:30 पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिन बाद फिर से दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले पीएम ने 15 और 19 मार्च के बीच केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी रैलियां की थी। केरल के दौरे पर पीएम मोदी 6ठी बार जा रहे हैं। वो पिछली बार 19 मार्च को केरल गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर
घूम रही है, देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परंपरा सीमाएं पार कर चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर और त्रिपुरा में चुनावी प्रचार करेंगे, साथ ही वो जयपुर में भी रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में आज मणिपुर का दौरा करेंगे और वहां चुनाव प्रचार करेंगे। मणिपुर के अलावा अमित शाह त्रिपुरा और राजस्थान का भी दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के इम्फाल में दोपहर 1:30 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इम्फाल में रैली से पहले अमित शाह सुबह 11 बजे त्रिपुरा पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के तहत अगरतला के कुमार घाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर में इन रैलियों के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 6 बजे राजस्थान के जयपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में एक रोड शो भी करेंगे। अमित शाह जयपुर में पहली बार रोड शो करेंगे। रोड शो संगनेरी गेट की तरफ से शुरू होगा और छोटी चौपड़ तक करीब 2.25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के इस रोड शो के जरिए बीजेपी जयपुर में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, साथ ही जयपुर की दूसरी सीटों को भी प्रभावित करने की रणनीति है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में इस बार बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता चुनावी मैदान में है। क्या माधवी लता ओवैसी के किले में सेंध लगा पाएंगे, इस पर TV9 भारतवर्ष ने माधवी लता से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उस खास बातचीत का एक हिस्सा भी सुनिए। कहा यह जाता है कि किला है ओवैसी परिवार, वो किला क्या ढहने वाला है, वो किले में सेंध लगाने वाली है? पहले तो मेरे हिसाब से वो किला मिट्टी से बना है साहब। अब न्याय और धर्म सच्चाई का पानी उसके ऊपर फेंको आप, वो किला खुद ब खुद गिर के नीचे गिर जाएगी। और दूसरी बात यह है, सबसे अहमियत बात आर्टिकल 30, जो मैं बार बार प्रजा को समझाने के प्रयत्न कर रही हूँ। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। लास्ट 75 ईयर से इसका सही प्रकार से कोई उपयोग नहीं किया गया है। इस आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज वाले अपने अपने मजहब का पढ़ाई देते हुए अंग्रेजी पढ़ाई किसी भी हद तक दे सकते हैं। आप जो दावे कर रहे हैं कि आप उन्हें टक्कर देंगी, और आपने ये भी बताया कि 1.5 लाख मतों से शायद जीतने वाले हैं आप, तो कहते हैं ये सपने हैं। वही समाधान उनको भी देती हूँ, कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। 40 साल से जो है तो अक्सर उसी घमंड में इंसान आगे निकल जाता है। जून 4 तारीख को देखेंगे, जो घमंड तोड़ेंगे नहीं तोड़ पाएंगे हम, उसी दिन देख लेते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी आज वायनाड और कोझिकोड में कैंपेन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे। इस दौरान वायनाड में वो कई जगहों पर जाएंगे और सभाएं भी करेंगे। राहुल गांधी वायनाड के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद आज शाम करीब 6:30 बजे उत्तर कोझिकोड जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में वायनाड से नॉमिनेशन फाइल किया था और यहां एक रोड शो भी निकाला था। वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ CPI से भी है। CPI ने यहां डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने वायनाड सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल के खिलाफ उतारा है। वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। राहुल गांधी अगले हफ्ते केरल में ही रहेंगे। राहुल गांधी 18 अप्रैल को कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम में कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 22 अप्रैल को त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और अलापुझा जिलों में उनकी रैलियां भी हैं। फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और बयान को लेकर इंडिया गठबंधन ने पलटवार किया।
इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के इस वीडियो के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि पीडीएफ बीजेपी को मिलकर हराएगा, क्योंकि वो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को नया संविधान बनाकर खत्म करना चाहती है। बीजेपी जनता की सेवा या कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सदियों से 4-5% प्रभुत्ववादी सोच के लोग 90-95% लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि संविधान की मूल संरचना को बदलना है और यही कारण है कि पार्टी के नेता 400 पार की बात करते रहते हैं। सरकार को 272 तो ही बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। और कल मायावती ने बहुत बड़ी बात कह दी। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने उनकी सरकार बनने पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा देने का भरोसा दिया है। उनके बयान पर अब सियासी पारा बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है पश्चिमी यूपी के लोगों की कि इस मामले में आपके खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाए। पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के विभाजन का कार्ड खेला। बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोषणा करने के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का भी वादा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ में बेंच होने की वजह से दशकों से मेरठ या पश्चिमी यूपी में किसी जिले में हाईकोर्ट बनाने की मांग उठती रही है। और इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी TV9 भारतवर्ष पर खबरें जारी है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक खबर और आप तक पहुंचा दें। लखनऊ की सड़क पर एक युवती ने अपनी हनक दिखाई है, उसने सरेआम कुछ लोगों को गालियां भी दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर युवती आपे से बाहर क्यों हुई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अदब के शहर लखनऊ की तस्वीरें हैं, सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। हाथ में लाठी, जुबान पर बेधड़क गालियां, गालियां भी ऐसी कि शर्म से गड़ जाएं। लेकिन मैडम ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। रौब के आके लोग तमाशबीन रहने के सिवा कर भी क्या सकते थे। अब तक आप समझ गए होंगे मामला क्या है। बताया जाता है कि मामूली गलती की वजह से मैडम आपे से बाहर हो गई। उन्होंने गाड़ी से लाठी निकाली और लगी रौब दिखाने। मैडम लाठी चमकाती रही, सड़क पर पीटती रही, धमकाती रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हद तो तब हो गई जब मैडम साहिबा ने इस शख्स के कॉलर पकड़ लिए, ऐसा खींचा कि उसकी सोने की चेन भी टूट गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 29 जून से 19 अगस्त तक यात्रा चलेगी और साथ ही आपको बता दें आज ही से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। 29 जून से 13 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी आज ही से हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद युद्ध के और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। अगले कुछ घंटों में इसराइल ईरान पर हमले कर सकता है, यानी इसराइल बदले की आग में जल रहा है। इस बीच ईरान के प्रमुख नेता खमेनेई ने अमेरिका को चुनौती दी है कि जंग और भीषण होगी।
ऐसे में साफ है कि इसराइल ने हमला किया तो ईरान विध्वंसक बदले से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे हालात में यूक्रेन और गाजा के बाद युद्ध का एक और मोर्चा भी खुल सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। आपको बता दें फंसे भारतीयों पर ईरान ने भरोसा दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिले भरोसे को लेकर ही ये पहली बड़ी खबर है। आपको बता दें कार्गो शिप पर फंसे 17 भारतीयों को लेकर यह खबर है और ईरान के कब्जे में है एमएससी एरीस जहाज। अब ईरान के कब्जे में एमएससी एरीस जहाज जिसमें कार्गो शिप में फंसे 17 भारतीयों को लेकर यह बड़ी खबर है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिला है ईरान से भरोसा। फंसे भारतीयों पर ईरान ने यह भरोसा दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने, इजरायली कारोबारी का जहाज है एमएससी एरीस जिसको लेकर यह बड़ी खबर है और इसी कार्गो में 17 भारतीय फंसे हुए हैं। हालांकि इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है भारत नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान की तरफ से भरोसा भी मिला है। तो इस युद्ध के हालात के बीच खलबली मची हुई है लेकिन ईरान ने भरोसा दिलाया है विदेश मंत्री को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है और कार्गो शिप पर फंसे भारतीयों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। ईरान ने भी भारत को भरोसा दिया है कि भारतीयों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है और वो उन्हें महफूज रखेगा। जल्द से जल्द वतन वापसी होगी, ईरान की तरफ से भारत को भरोसा दिलाया गया है। इसी भरोसे के तहत कैसे हम कह रहे हैं कि भारत की कूटनीतिक जीत, क्योंकि अब पूरा मामला आपके सामने रखते हैं जहां देखिए किस तरीके से कार्गो शिप को लेकर खबर है। कार्गो शिप एमएससी एरीस और ईरान ने इसे कब्जे में लिया है। आपको बता दें हामू स्ट्रेट के पास जहाज को कब्जे में लिए जाने को लेकर खबर आई। कार्गो शिप एमएससी एरीस, कार्गो शिप पर 25 क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय थे और विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान से इस बारे में बातचीत भी की है क्योंकि इसी जहाज पर फंसे भारतीयों को लेकर खबर है। ईरान ने सभी की हिफाजत और रिहाई का भरोसा भी दिया है। जी हाँ, पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से कब्जा किया गया, दावा ये किया जा रहा है। इसके अलावा ये बताइए कार्गो शिप है जो एमएससी एरीस बताया जा रहा है और इसी शिप पर फंसे हुए हैं भारतीय। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से ये फंसा हुआ है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात और राहत की बात यह है कि ईरान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भरोसा दिलाया। और ज्यादा जानकारी डिटेल में मनीष दे रहे हैं इस शिप के बारे में। मनीष, और क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि ये कार्गो शिप है और भारतीय इसमें फंसे हुए हैं, तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, क्या कुछ प्लान है? बिल्कुल, देखिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कोशिश करता हूं कि अपने दर्शकों को एक बड़ा पिक्चर दिखाऊं कि आज की तारीख में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल और ईरान की जंग, केवल भारत एक ऐसा मुल्क है जो दोनों पक्षों से समान भाव से समान अधिकार से बात कर सकता है। और भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, इजराइल के विदेश मंत्री से बात की। मौका था ईरान और इजराइल के जंग को लेकर और ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानियन विदेश मंत्री से दोनों बातों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे 17 भारतीय उस जहाज पर मौजूद हैं जो कि इजरायली व्यापारी का जहाज है, तो आपको इजराइल के जहाज से हो सकती है प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे भारतीय वहां पर है 17 लोग, उनका आप क्या करेंगे? तो उस पर ईरान के विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो 17 भारतीय सुरक्षित हैं, तो उनकी सुरक्षित रिहाई को लेकर भारत सरकार ईरान के साथ संपर्क में है। लेकिन मामला केवल 17 भारतीयों का नहीं है। अगर आप देखें ईरान में आज की तारीख में कई हजार भारतीय रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी तकरीबन 20,000 भारतीय इस वक्त मौजूद हैं। इसलिए भारत सरकार ने ईरान के विदेश मंत्री से, इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, भारतीयों की सुरक्षित वापसी, भारतीयों की सुरक्षित रिहाई को लेकर चर्चा की और व्यापक पर्सपेक्टिव में देखें तो शांति की अपील दोनों पक्षों से की, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पहली बड़ी खबर। मनीष, शुक्रिया फिलहाल इसके बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि 25 क्रू मेंबर्स में से 17 भारतीय हैं जिनको देखते हुए ये बात एस जयशंकर की तरफ से की गई है और भरोसा भी ईरान ने दिया है। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर, जहां ईरान के हमले से तनाव के बीच ही ये बड़ी खबर है, जहां भारत ने ईरान और इसराइल से बात की है और दोनों देशों से शांति की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है बात। और एक और बड़ी खबर, ईरानी मीडिया ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरानी रॉकेट लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया है। लगातार तस्वीरें जारी हो रही है इस अटैक के बाद और ईरान ने जो अटैक किया है, जो मिसाइलें दागी हैं, उसका खुद का वीडियो जारी हुआ है। ईरान की मीडिया ने ये जारी किया है कि रॉकेट अटैक का वीडियो, देखिए कितना भीषण रहा ये रॉकेट अटैक, इससे पहले मिसाइल अटैक का भी वीडियो सामने आ चुका है।
तो जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया उसकी एक एक तस्वीर आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान से बदले के प्लान को लेकर यह खबर है और यह प्लान हो चुका है तैयार। इसराइल की तरफ से क्या कहा गया जानिए। इसराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव और सीधी जंग या नहीं इस पर खुलासा होना बाकी। तो एक बार फिर से बता दें, इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है अब तस्वीरें तो सामने आ रही हैं कि ईरान ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, लेकिन ईरान से बदले को लेकर संभावनाएं और इस बीच जो स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे, क्योंकि इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और हमला कब होगा, हमला किसी भी वक्त संभव है 24 घंटे में। बड़ी खबर बता दें, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव। और ईरान के हमले के बाद से ही इसराइल बदले की आग में इस वक्त जल रहा है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। किसी भी वक्त इसराइल इंतकाम का पहला अटैक भी कर सकता है, यानी पहला वार कर सकता है, क्योंकि इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है IDF इसराइल डिफेंस फोर्स, उसकी तरफ से कहा जा चुका है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए भी अगले 24 घंटे बहुत अहम है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, हमले का काउंटडाउन चल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया, इसी हमले के बाद से इसराइल बदले की आग में जल रहा है। इसराइल की वॉर कैबिनेट ने जवाबी एक्शन का खाका खींच दिया है। इस बीच एक्सक्लूसिव खुलासा ये कि अगले 24 घंटे में कभी भी ईरान पर हो सकता है हमला। जी हाँ, इसके अलावा इसराइल ने कहा है कि प्लान लोडेड है, बड़ा जवाबी हमला होगा, बड़ी कार्रवाई होगी ईरान के खिलाफ, इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं और एक्सक्लूसिव खुलासा है कि कब इसराइल अटैक कर सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का वीडियो भी पोस्ट सामने आया है। मुसलमानों के हाथ में होगा अल कुद्स, खामनेई का कहना है ये। फिलिस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी दुनिया। देखिए, ये एक एक्सटेंडेड लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो गाजा युद्ध में हुआ, जो लड़ाई हुई गाजा युद्ध में, उसी का ही दम भरते हुए, उसी का ही दावा करते हुए खामनेई ने वीडियो जारी किया है। ईरान में संसद में जश्न की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन किया और जश्न भी मनाया, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्ला ने ईरान को अब बधाई दी है, इसराइल पर हमले के लिए बधाई दी गई है। तो जिस तरीके से ईरान ने अभी पहले स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इसकी सफलता को लेकर बड़े दावे किए हैं, उसी के बाद कल हमने तस्वीर देखी, संसद में जश्न की, सड़क पर जश्न की, अब हिजबुल्ला ने भी ईरान को इसी सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा जंग की स्क्रिप्ट ईरान ने लिखी, सऊदी के एक अफसर का बड़ा खुलासा सामने आया है। एक अफसर ने कहा है, सऊदी अरब के एक अफसर ने, कि गाजा जंग की स्क्रिप्ट भी ईरान ने ही लिखी थी, जो गाजा जंग शुरू हुई वो भी ईरान के जरिए ही शुरू करवाई गई। तो बड़े खुलासे हो रहे हैं और ईरान के हमले के बीच एक्सक्लूसिव खुलासे को लेकर अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इस गाजा जंग ईरान ने साजिश के तहत भड़काई है। सऊदी इसराइल के रिश्ते बिगाड़ने की ये चाल थी, सऊदी और इसराइल की करीबियां ईरान को खटक रही थी और लंबे समय से दोनों के बीच संबंध तोड़ने की कोशिश के तहत ही ईरान ने ये प्लानिंग की, ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सऊदी के अधिकारी की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने कहा है कि ईरान का हमला इसराइल US को चुनौती है, ईरान ने जानबूझकर घातक हमला नहीं किया, ये ईरान का जानबूझकर घातक हमला नहीं है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है एक अफसर की ओर से, जो खुफिया अधिकारी रहा, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी। तो ईरान के हमले के बाद कई देशों में हलचल इस वक्त तेज है, जर्मनी से लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। ईरान हमले के बाद इसराइल के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने बर्लिन में रैली निकाली। जर्मन इजरायली सोसाइटी की तरफ से ये रैली निकाली गई, जिसने शहर के ब्रांडेनबर्ग गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जर्मन इजरायली सोसाइटी के प्रमुख और ग्रीन पार्टी के राजनेता वोल्कर बेक ने रैली को संबोधित करते हुए हमले की तीखी निंदा की और जर्मन सरकार से ईरान के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को यूरोपीय संघ की आतंकवादी सूची में डालने, उनकी संपत्ति जब्त करने और पूरी ताकत से उनसे लड़ने का समय आ गया है। आपको बता दें कि ईरान के बड़े हमले में सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल थी।
इधर पाकिस्तान के कराची में इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसराइल के साथ संघर्ष में ईरान और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाई गई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कराची में ईरान समर्थकों में महिलाएं भी शामिल थी, जिनके हाथों में गाजा के समर्थन की तख्तियां भी थी। फिलिस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान यानी PFC प्रमुख साबिर अबू मरियम ने कहा कि वो ईरान का समर्थन करते हैं, गाजा की मुक्ति तक उनका युद्ध जारी रहेगा। और पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी आमिर सरफराज तांबा की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये रिपोर्ट। आमिर सरफराज तांबा की तस्वीर है जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के करीबी सहयोगी बताया जाता है। बताया जाता है कि कल लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक तांबा पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पाकिस्तान में लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में हमला किया। खबरों के अनुसार तांबा के शरीर पर 4 गोलियां मारी गई। एक हमलावर ने हेलमेट पहन रखा था जबकि दूसरे ने नकाब डाल रखा था और दोनों उस पर गोली चलाने के बाद घटनास्थल से भाग गए। तांबा को नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। लाहौर का असली डॉन नाम से कुख्यात तांबा के बारे में कहा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ नशे की तस्करी में शामिल था। बताया जाता है कि कड़ी सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल के अंदर तांबा सहित अन्य कैदियों ने ही भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर ईंट और लोहे की छड़ों से हमला किया था। कहा जाता है कि यह हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया गया था। बर्बर हमले के कुछ दिनों बाद सरबजीत सिंह की 2 मई 2013 की सुबह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। और अब बात एक्टर सलमान खान की। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले विशाल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विशाल उर्फ कालू पर 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फायरिंग बाइक चोरी का केस दर्ज है। हाल ही में एक कारोबारी का भी कत्ल किया था। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर इस कत्ल को अंजाम दिया गया था और गुरुग्राम का रहने वाला विशाल 10वीं तक पढ़ा हुआ है। आरोपी के बारे में ये बड़ा खुलासा किया है। और आपको बता दें कि सलमान खान के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में रहने वाले भाई अनमोल बिश्नोई ने घटना को सलमान खान के लिए पहली और आखिरी चेतावनी बताया। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया में अनमोल बिश्नोई नाम के एक शख्स का पोस्ट वायरल हुआ। इस पोस्ट की भी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। अनमोल बिश्नोई चूंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ये पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये पोस्ट असली है या फिर कोई फेक आईडी बनाकर ये पोस्ट किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मुंबई पुलिस की माने तो जिस तरह की बातें पोस्ट में लिखी गई है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि पोस्ट में साफ तौर पर सलमान खान को धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि अगली बार जब फायरिंग होगी तो घर पर नहीं होगी। और ये फायरिंग जो है वो बताने के लिए की गई थी कि उनकी ताकत कितनी है, इसलिए सलमान खान किसी गफलत में ना रहें। अब मुंबई पुलिस इस फेसबुक अकाउंट की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये फेसबुक अकाउंट जो है वाकई में गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए शूटर अनमोल बिश्नोई का ही है या फिर किसी और शख्स का है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में जिस गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आ रहा है उसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। CCTV में मर्डर की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। एक वीडियो करीब 1 महीने पुराना है जब स्क्रैप डीलर सचिन को रोहतक के एक ढाबे पर गोलियों से भून दिया गया था। बताया जाता है कि इस वारदात को विशाल उर्फ कालू ने अंजाम दिया था। इसी ने मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर भी हमले को अंजाम दिया है। सलमान खान के घर के पास की CCTV तस्वीरें के मिलान के बाद ये बात कही जा रही है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। जैसा कि आपको पता है कि सलमान के घर के बाहर 3 गोलियां सड़क पर मिली थी जबकि एक दीवार में धंसी पाई गई थी। यही नहीं, सलमान खान जिस बालकनी से अक्सर अपने फैंस के लिए सामने आया करते थे वहां भी गोली मिली है। बताया जाता है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। स्क्रैप डीलर की हत्या के बाद से वो फरार है। CCTV में कैद उसकी तस्वीरें बता रही है कि विशाल ने हरियाणा नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। कहा जाता है कि गुरुग्राम के रहने वाले विशाल विदेश में बैठे रोहित गोदारा के लिए काम करता है और सचिन हत्याकांड को विशाल ने रोहित गोदारा के कहने पर अंजाम दिया था।
और अब बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने अपील की है, अपनी रिमांड के खिलाफ भी अपील की गई। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को जायज बताया था और अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ईडी ने मुझे गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन आपके मंत्री गोपाल राय ने संविधान बचाओ के नाम से जो राजनीतिक अभियान छेड़ने की घोषणा की गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इस बीच दोपहर 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने जाएंगे। भगवंत मान के साथ आप सांसद संदीप पाठक भी मौजूद रहेंगे। और अब बात दिल्ली के शराब घोटाला मामले की, जहां इस मामले में मनीष सिसोदिया जेल में है और जमानत की अपील की है। मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि कोर्ट को यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि सिसोदिया दोषी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अगर मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो सिसोदिया को 3 महीने के भीतर फिर से जमानत मिलने के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए फिर से निचली अदालत का रुख किया है। इधर दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेरा फेरी के आरोप में सीबीआई ने हिरासत में लिया था। इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए के रिश्वत को अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल रहा है, वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। और अब बात चुनावी प्रचार की। आज केरल में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के अलावा तमिलनाडु में भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनावों में मिशन दक्षिण पर बीजेपी का खास फोकस है। आज पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। पहले वो केरल में 2 रैलियां करेंगे, फिर तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर जिले के अलाथुर निर्वाचन क्षेत्र के कोनमंगलम जाएंगे। पीएम यहां अलाथुर और त्रिशूर में चुनाव लड़ रहे एनडीए कैंडिडेट टीएन सरासु और सुरेश गोपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 2:15 पर केरल में तिरुवनंतपुरम जाएंगे। यहां कटककड़ा में पीएम मोदी अटिंगल और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए के 2 केंद्रीय मंत्रियों वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार करेंगे। शाम 4:30 पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरु नेलवेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिन बाद फिर से दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले पीएम ने 15 और 19 मार्च के बीच केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी रैलियां की थी। केरल के दौरे पर पीएम मोदी 6ठी बार जा रहे हैं। वो पिछली बार 19 मार्च को केरल गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का
दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परंपरा सीमाएं पार कर चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर और त्रिपुरा में चुनावी प्रचार करेंगे, साथ ही वो जयपुर में भी रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में आज मणिपुर का दौरा करेंगे और वहां चुनाव प्रचार करेंगे। मणिपुर के अलावा अमित शाह त्रिपुरा और राजस्थान का भी दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के इम्फाल में दोपहर 1:30 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इम्फाल में रैली से पहले अमित शाह सुबह 11 बजे त्रिपुरा पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के तहत अगरतला के कुमार घाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर में इन रैलियों के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 6 बजे राजस्थान के जयपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में एक रोड शो भी करेंगे। अमित शाह जयपुर में पहली बार रोड शो करेंगे। रोड शो संगनेरी गेट की तरफ से शुरू होगा और छोटी चौपड़ तक करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के इस रोड शो के जरिए बीजेपी जयपुर में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, साथ ही जयपुर की दूसरी सीटों को भी प्रभावित करने की रणनीति है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में इस बार बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता चुनावी मैदान में है। क्या माधवी लता ओवैसी के किले में सेंध लगा पाएंगे, इस पर TV9 भारतवर्ष ने माधवी लता से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उस खास बातचीत का एक हिस्सा भी सुनिए। कहा यह जाता है कि किला है ओवैसी परिवार, वो किला क्या ढहने वाला है, वो किले में सेंध लगाने वाली है? पहले तो मेरे हिसाब से वो किला मिट्टी से बना है साहब। अब न्याय और धर्म सच्चाई का पानी उसके ऊपर फेंको आप, वो किला खुद ब खुद गिर के नीचे गिर जाएगी। और दूसरी बात यह है, सबसे अहमियत बात आर्टिकल 30, जो मैं बार बार प्रजा को समझाने के प्रयत्न कर रही हूँ। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। लास्ट 75 ईयर से इसका सही प्रकार से कोई उपयोग नहीं किया गया है। इस आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज वाले अपने अपने मजहब का पढ़ाई देते हुए अंग्रेजी पढ़ाई किसी भी हद तक दे सकते हैं। आप जो दावे कर रहे हैं कि आप उन्हें टक्कर देंगी, और आपने ये भी बताया कि 1.5 लाख मतों से शायद जीतने वाले हैं आप, तो कहते हैं ये सपने हैं। वही समाधान उनको भी देती हूँ, कुछ भी कहने के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं। 40 साल से जो है तो अक्सर उसी घमंड में इंसान आगे निकल जाता है। जून 4 तारीख को देखेंगे, जो घमंड तोड़ेंगे नहीं तोड़ पाएंगे हम, उसी दिन देख लेते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी आज वायनाड और कोझिकोड में कैंपेन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे। इस दौरान वायनाड में वो कई जगहों पर जाएंगे और सभाएं भी करेंगे। राहुल गांधी वायनाड के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद आज शाम करीब 6:30 बजे उत्तर कोझिकोड जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में वायनाड से नॉमिनेशन फाइल किया था और यहां एक रोड शो भी निकाला था। वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ CPI से भी है। CPI ने यहां डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने वायनाड सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल के खिलाफ उतारा है। वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। राहुल गांधी अगले हफ्ते केरल में ही रहेंगे। राहुल गांधी 18 अप्रैल को कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम में कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 22 अप्रैल को त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और अलापुझा जिलों में उनकी रैलियां भी हैं। फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और बयान को लेकर इंडिया गठबंधन ने पलटवार किया। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के इस वीडियो के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि PDF बीजेपी को मिलकर हराएगा, क्योंकि वो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को नया संविधान बनाकर खत्म करना चाहती है। बीजेपी जनता की सेवा या कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सदियों से 4-5% प्रभुत्ववादी सोच के लोग 90-95% लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि संविधान की मूल संरचना को बदलना है और यही कारण है कि पार्टी के नेता 400 पार की बात करते रहते हैं। सरकार तो 272 पर ही बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। और कल मायावती ने बहुत बड़ी बात कह दी। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने उनकी सरकार बनने पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा देने का भरोसा दिया है। उनके बयान पर अब सियासी पारा बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है पश्चिमी यूपी के लोगों की कि इस मामले में आपके खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाए। पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के विभाजन का कार्ड खेला। बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोषणा करने के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का भी वादा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ में बेंच होने की वजह से दशकों से मेरठ या पश्चिमी यूपी में किसी जिले में हाईकोर्ट बनाने की मांग उठती रही है। और इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरें जारी है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक खबर और आप तक पहुंचा दें। लखनऊ की सड़क पर एक युवती ने अपनी हनक दिखाई है। उसने सरेआम कुछ लोगों को गालियां भी दी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर युवती आपे से बाहर क्यों हुई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अदब के शहर लखनऊ की तस्वीरें हैं, सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। हाथ में लाठी, जुबां पर बेधड़क गालियां भी ऐसी कि शर्म से कट जाएं। लेकिन मैडम ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। रौब के आके लोग तमाशबीन रहने के सिवा कर भी क्या सकते थे। अब तक आप समझ गए होंगे मामला क्या है। बताया जाता है कि मामूली गलती की वजह से मैडम आपे से बाहर हो गई। उन्होंने गाड़ी से लाठी निकाली और लगी रौब दिखाने। मैडम लाठी चमकाती रही, सड़क पर पीटती रही, धमकाती रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हद तो तब हो गई जब मैडम साहिबा ने इस शख्स के कॉलर पकड़ लिए, ऐसा खींचा कि उसकी सोने की चेन भी टूट गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 29 जून से 19 अगस्त तक यात्रा चलेगी और साथ ही आपको बता दें आज ही से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। 29 जून से 13 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी आज ही से हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद युद्ध के और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। अगले कुछ घंटों में इसराइल ईरान पर हमले कर सकता है, यानी इसराइल बदले की आग में जल रहा है। इस बीच ईरान के प्रमुख नेता खमेनेई ने अमेरिका को चुनौती दी है कि जंग और भीषण होगी। ऐसे में साफ है कि इसराइल ने हमला किया तो ईरान विध्वंसक बदले से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे हालात में यूक्रेन और गाजा के बाद युद्ध का एक और मोर्चा भी खुल सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। आपको बता दें फंसे भारतीयों पर ईरान ने भरोसा दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिले भरोसे को लेकर ही ये पहली बड़ी खबर है। आपको बता दें कार्गो शिप पर फंसे 17 भारतीयों को लेकर यह खबर है और ईरान के कब्जे में है एमएससी एरीस जहाज। अब ईरान के कब्जे में एमएससी एरीस जहाज जिसमें कार्गो शिप में फंसे 17 भारतीयों को लेकर ये बड़ी खबर है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिला है ईरान से भरोसा।
फंसे भारतीयों पर ईरान ने यह भरोसा दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने, इजरायली कारोबारी का जहाज है एमएस एरिस, जिसको लेकर ये बड़ी खबर है और इसी कार्गो में 17 भारतीय फंसे हुए हैं। हालांकि इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है भारत नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान की तरफ से भरोसा भी मिला है। तो इस युद्ध के हालात के बीच खलबली मची हुई है, लेकिन ईरान ने भरोसा दिलाया है विदेश मंत्री को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है और कार्गो शिप पर फंसे भारतीयों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। ईरान ने भी भारत को भरोसा दिया है कि भारतीयों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है और वो उन्हें महफूज रखेगा। जल्द से जल्द वतन वापसी होगी, ईरान की तरफ से भारत को भरोसा दिलाया गया है। इसी भरोसे के तहत कैसे हम कह रहे हैं कि भारत की कूटनीतिक जीत, क्योंकि अब पूरा मामला आपके सामने रखते हैं, जहां देखिए किस तरीके से कार्गो शिप को लेकर खबर है। कार्गो शिप एमएस एरिस और ईरान ने इसे कब्जे में लिया है। आपको बता दें हामू स्ट्रेट के पास जहाज को कब्जे में लिए जाने को लेकर खबर आई। कार्गो शिप एमएस एरिस, कार्गो शिप पर 25 क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय थे और विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान से इस बारे में बातचीत भी की है, क्योंकि इसी जहाज पर फंसे भारतीयों को लेकर खबर है। ईरान ने सभी की हिफाजत और रिहाई का भरोसा भी दिया है। जी हाँ, पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से कब्जा किया गया, दावा ये किया जा रहा है। इसके अलावा ये बताइए, कार्गो शिप है जो एमएससी एरिस बताया जा रहा है और इसी शिप पर फंसे हुए हैं भारतीय। इजरायली कारोबारी का जहाज होने की वजह से ये फंसा हुआ है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात और राहत की बात यह है कि ईरान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भरोसा दिलाया। और ज्यादा जानकारी डिटेल में मनीष दे रहे हैं इस शिप के बारे में। मनीष, और क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि ये कार्गो शिप है और भारतीय इसमें फंसे हुए हैं, तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, क्या कुछ प्लान है? बिल्कुल, देखिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कोशिश करता हूं कि अपने दर्शकों को एक बड़ा पिक्चर दिखाऊं कि आज की तारीख में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल और ईरान की जंग, केवल भारत एक ऐसा मुल्क है जो दोनों पक्षों से समान भाव से, समान अधिकार से बात कर सकता है। और भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, इजराइल के विदेश मंत्री से बात की। मौका था ईरान और इजराइल के जंग को लेकर, और ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानियन विदेश मंत्री से दोनों बातों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे 17 भारतीय उस जहाज पर मौजूद हैं जो कि इजरायली व्यापारी का जहाज है, तो आपको इजराइल के जहाज से हो सकती है प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे भारतीय वहां पर है 17 लोग, उनका आप क्या करेंगे। तो उस पर ईरान के विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो 17 भारतीय सुरक्षित हैं, तो उनकी सुरक्षित रिहाई को लेकर भारत सरकार ईरान के साथ संपर्क में है। लेकिन मामला केवल 17 भारतीयों का नहीं है। Exactly. अगर आप देखें ईरान में आज की तारीख में कई हजार भारतीय रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी तकरीबन 20,000 भारतीय इस वक्त मौजूद हैं। इसलिए भारत सरकार ने ईरान के विदेश मंत्री से, इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, भारतीयों की सुरक्षित वापसी, भारतीयों की सुरक्षित रिहाई को लेकर चर्चा की, और व्यापक पर्सपेक्टिव में देखें तो शांति की अपील दोनों पक्षों से की, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पहली बड़ी खबर। मनीष, शुक्रिया फिलहाल इसके बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि 25 क्रू मेंबर्स में से 17 भारतीय हैं, जिनको देखते हुए ये बात एस जयशंकर की तरफ से की गई है और भरोसा भी ईरान ने दिया है। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर, जहां ईरान के हमले से तनाव के बीच ही ये बड़ी खबर है, जहां भारत ने ईरान और इजराइल से बात की है और दोनों देशों से शांति की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है बात। और एक और बड़ी खबर, ईरानी मीडिया ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरानी रॉकेट लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया है। लगातार तस्वीरें जारी हो रही है इस अटैक के बाद, और ईरान ने जो अटैक किया है, जो मिसाइलें दागी हैं, उसका खुद का वीडियो जारी हुआ है। ईरान की मीडिया ने ये जारी किया है कि रॉकेट अटैक का वीडियो, देखिए कितना भीषण रहा ये रॉकेट अटैक, इससे पहले मिसाइल अटैक का भी वीडियो सामने आ चुका है। तो जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान से बदले के प्लान को लेकर यह खबर है और यह प्लान हो चुका है तैयार। इजराइल की तरफ से क्या कहा गया, जानिए। इजराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव, और सीधी जंग या नहीं इस पर खुलासा होना बाकी।
तो एक बार फिर से बता दें, इस हालात के बीच में जाहिर सी बात है, अब तस्वीरें तो सामने आ रही हैं कि ईरान ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, लेकिन ईरान से बदले को लेकर संभावनाएं और इस बीच जो स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे, क्योंकि इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और हमला कब होगा, हमला किसी भी वक्त संभव है। 24 घंटे में, बड़ी खबर बता दें, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव है। और ईरान के हमले के बाद से ही इसराइल बदले की आग में इस वक्त जल रहा है। अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। किसी भी वक्त इसराइल इंतकाम का पहला अटैक भी कर सकता है, यानी पहला वार कर सकता है, क्योंकि इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है IDF, इसराइल डिफेंस फोर्स, उसकी तरफ से कहा जा चुका है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए भी अगले 24 घंटे बहुत अहम है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, हमले का काउंटडाउन चल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया, इसी हमले के बाद से इसराइल बदले की आग में जल रहा है। इसराइल की वॉर कैबिनेट ने जवाबी एक्शन का खाका खींच दिया है। इस बीच एक्सक्लूसिव खुलासा ये कि अगले 24 घंटे में कभी भी ईरान पर हो सकता है हमला। जी हाँ, इसके अलावा इसराइल ने कहा है कि प्लान लोडेड है, बड़ा जवाबी हमला होगा, बड़ी कार्रवाई होगी ईरान के खिलाफ, इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं और एक्सक्लूसिव खुलासा है कि कब इसराइल अटैक कर सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का वीडियो भी पोस्ट सामने आया है। मुसलमानों के हाथ में होगा अल कुद्स, खामनेई का कहना है ये। फिलिस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी दुनिया। देखिए, ये एक एक्सटेंडेड लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो गाजा युद्ध में हुआ, जो लड़ाई हुई गाजा युद्ध में, उसी का ही दम भरते हुए, उसी का ही दावा करते हुए खामनेई ने वीडियो जारी किया है। ईरान में संसद में जश्न की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन किया और जश्न भी मनाया, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्ला ने ईरान को अब बधाई दी है, इसराइल पर हमले के लिए बधाई दी गई है। तो जिस तरीके से ईरान ने अभी पहले स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इसकी सफलता को लेकर बड़े दावे किए हैं, उसी के बाद कल हमने तस्वीर देखी, संसद में जश्न की, सड़क पर जश्न की, अब हिजबुल्ला ने भी ईरान को इसी सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा जंग की स्क्रिप्ट ईरान ने लिखी, सऊदी के एक अफसर का बड़ा खुलासा सामने आया। एक अफसर ने कहा है, सऊदी अरब के एक अफसर ने, कि गाजा जंग की स्क्रिप्ट भी ईरान ने ही लिखी थी। जो गाजा जंग शुरू हुई वो भी ईरान के जरिए ही शुरू करवाई गई। तो बड़े खुलासे हो रहे हैं और ईरान के हमले के बीच एक्सक्लूसिव खुलासे को लेकर अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इस गाजा जंग ईरान ने साजिश के तहत भड़काई है। सऊदी इसराइल के रिश्ते बिगाड़ने की ये चाल थी। सऊदी और इसराइल की करीबियां ईरान को खटक रही थी और लंबे समय से दोनों के बीच संबंध तोड़ने की कोशिश के तहत ही ईरान ने ये प्लानिंग की, ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सऊदी के अधिकारी की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने कहा है कि ईरान का हमला इसराइल US को चुनौती है। ईरान ने जानबूझकर घातक हमला नहीं किया, ये ईरान का जानबूझकर घातक हमला नहीं है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है एक अफसर की ओर से, जो खुफिया अधिकारी रहा, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी। तो ईरान के हमले के बाद कई देशों में हलचल इस वक्त तेज है। जर्मनी से लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। ईरान हमले के बाद इसराइल के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने बर्लिन में रैली निकाली। जर्मन इजरायली सोसाइटी की तरफ से ये रैली निकाली गई, जिसने शहर के ब्रांडेनबर्ग गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जर्मन इजरायली सोसाइटी के प्रमुख और ग्रीन पार्टी के राजनेता वोल्कर बेक ने रैली को संबोधित करते हुए हमले की तीखी निंदा की और जर्मन सरकार से ईरान के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को यूरोपीय संघ की आतंकवादी सूची में डालने, उनकी संपत्ति जब्त करने और पूरी ताकत से उनसे लड़ने का समय आ गया है। आपको बता दें कि ईरान के बड़े हमले में सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इधर पाकिस्तान के कराची में इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसराइल के साथ संघर्ष में ईरान और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाई गई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कराची में ईरान समर्थकों में महिलाएं भी शामिल थी, जिनके हाथों में गाजा के समर्थन की तख्तियां भी थी। फिलिस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान यानी PFC प्रमुख साबिर अबू मरियम ने कहा कि वो ईरान का समर्थन करते हैं, गाजा की मुक्ति तक उनका युद्ध जारी रहेगा।
और पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी आमिर सरफराज तांबा की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये रिपोर्ट। आमिर सरफराज तांबा की तस्वीर है जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के करीबी सहयोगी बताया जाता है। बताया जाता है कि कल लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक तांबा पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पाकिस्तान में लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में हमला किया। खबरों के अनुसार तांबा के शरीर पर 4 गोलियां मारी गयी। एक हमलावर ने हेलमेट पहन रखा था जबकि दूसरे ने नकाब डाल रखा था और दोनों उस पर गोली चलाने के बाद घटनास्थल से भाग गए। तांबा को नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गयी। लाहौर का असली डॉन नाम से कुख्यात तांबा के बारे में कहा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ नशे की तस्करी में शामिल था। बताया जाता है कि कड़ी सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल के अंदर तांबा सहित अन्य कैदियों ने ही भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर ईंट और लोहे की छड़ों से हमला किया था। कहा जाता है कि यह हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया गया था। बर्बर हमले के कुछ दिनों बाद सरबजीत सिंह की 2 मई 2013 की सुबह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। और अब बात एक्टर सलमान खान की। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले विशाल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विशाल उर्फ कालू पर 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फायरिंग बाइक चोरी का केस दर्ज है। हाल ही में एक कारोबारी का भी कत्ल किया था। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर इस कत्ल को अंजाम दिया गया था और गुरुग्राम का रहने वाला विशाल 10वीं तक पढ़ा हुआ है। आरोपी के बारे में ये बड़ा खुलासा किया है। और आपको बता दें कि सलमान खान के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में रहने वाले भाई अनमोल बिश्नोई ने घटना को सलमान खान के लिए पहली और आखिरी चेतावनी बताया। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया में अनमोल बिश्नोई नाम के एक शख्स का पोस्ट वायरल हुआ। इस पोस्ट की भी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। अनमोल बिश्नोई चूंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ये पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये पोस्ट असली है या फिर कोई फेक आईडी बनाकर ये पोस्ट किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मुंबई पुलिस की माने तो जिस तरह की बातें पोस्ट में लिखी गई है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि पोस्ट में साफ तौर पर सलमान खान को धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि अगली बार जब फायरिंग होगी तो घर पर नहीं होगी। और ये फायरिंग जो है वो बताने के लिए की गई थी कि उनकी ताकत कितनी है, इसलिए सलमान खान किसी गफलत में ना रहें। अब मुंबई पुलिस इस फेसबुक अकाउंट की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये फेसबुक अकाउंट जो है वाकई में गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए शूटर अनमोल बिश्नोई का ही है या फिर किसी और शख्स का है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में जिस गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आ रहा है उसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। CCTV में मर्डर की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। एक वीडियो करीब 1 महीने पुराना है जब स्क्रैप डीलर सचिन को रोहतक के एक ढाबे पर गोलियों से भून दिया गया था। बताया जाता है कि इस वारदात को विशाल उर्फ कालू ने अंजाम दिया था। इसी ने मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर भी हमले को अंजाम दिया है। सलमान खान के घर के पास की CCTV तस्वीरें के मिलान के बाद ये बात कही जा रही है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। जैसा कि आपको पता है कि सलमान के घर के बाहर 3 गोलियां सड़क पर मिली थी जबकि एक दीवार में धंसी पाई गई थी। यही नहीं, सलमान खान जिस बालकनी से अक्सर अपने फैंस के लिए सामने आया करते थे वहां भी गोली मिली है। बताया जाता है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। स्क्रैप डीलर की हत्या के बाद से वो फरार है। CCTV में कैद उसकी तस्वीरें बता रही है कि विशाल ने हरियाणा नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। कहा जाता है कि गुरुग्राम के रहने वाले विशाल विदेश में बैठे रोहित गोदारा के लिए काम करता है और सचिन हत्याकांड को विशाल ने रोहित गोदारा के कहने पर अंजाम दिया था। और अब बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने अपील की है, अपनी रिमांड के खिलाफ भी अपील की गई। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को जायज बताया था और अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ईडी ने मुझे गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के दिन आपके मंत्री गोपाल राय ने संविधान बचाओ के नाम से जो राजनीतिक अभियान छेड़ने की घोषणा की गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इस बीच दोपहर 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने जाएंगे। भगवंत मान के साथ आप सांसद संदीप पाठक भी मौजूद रहेंगे। और अब बात दिल्ली के शराब घोटाला मामले की, जहां इस मामले में मनीष सिसोदिया जेल में है और जमानत की अपील की है। मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि कोर्ट को यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि सिसोदिया दोषी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अगर मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो सिसोदिया को 3 महीने के भीतर फिर से जमानत मिलने के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए फिर से निचली अदालत का रुख किया है। इधर दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेरा फेरी के आरोप में सीबीआई ने हिरासत में लिया था। इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए के रिश्वत को अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल रहा है, वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। और अब बात चुनावी प्रचार की। आज केरल में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के अलावा तमिलनाडु में भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनावों में मिशन दक्षिण पर बीजेपी का खास फोकस है। आज पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। पहले वो केरल में 2 रैलियां करेंगे, फिर तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर जिले के अलाथुर निर्वाचन क्षेत्र के कुनमंगलम जाएंगे। पीएम यहां अलाथुर और त्रिशूर में चुनाव लड़ रहे एनडीए कैंडिडेट टीएन सरासु और सुरेश गोपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 2:15 पर केरल में तिरुवनंतपुरम जाएंगे। यहां कटकड़ा में पीएम मोदी अटिंगल और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए के 2 केंद्रीय मंत्रियों वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार करेंगे। शाम 4:30 पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिन बाद फिर से दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले पीएम ने 15 और 19 मार्च के बीच केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी रैलियां की थी। केरल के दौरे पर पीएम मोदी 6ठी बार जा रहे हैं। वो पिछली बार 19 मार्च को केरल गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब